हाय एवरीवन, डोसा हो, इडली हो या फिर वड़ा हो, नारियल की चटनी के बिना अधूरा सा लगता है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ साउथ इंडियन स्टाइल नारियल की चटनी, जो कि आपको एकदम होटल वाला टेस्ट देगा। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो नारियल की चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ एक नारियल लिए हैं, जो कि मैंने इसे हाफ हाफ में तोड़ लिए हैं। नारियल की चटनी बनाने के लिए आप ताज़े नारियल ही यूज़ करें। तो चटनी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पैन चढ़ाएंगे और उसमें एक बड़ी चम्मच तेल डालेंगे, और तेल गर्म होने के बाद हम इसमें आधी कप मूंगफली डालेंगे। मूंगफली से टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है चटनी में। हमें इसे ज़्यादा पकाना नहीं है, बस इसका कच्चापन निकाल लेना है। चटनी में मूंगफली डालने से एकदम टेस्ट होटल वाला आएगा। तो देखिए, मूंगफली यहाँ भुन चुका है। अब उसके बाद हम 3 हरी मिर्च डालेंगे। तो मैंने यहाँ इसे बीच से छोटे छोटे पीस कर लिए हैं और इसे भी हम कुछ सेकंड के लिए भून लेंगे। उसके बाद हम यहाँ डालेंगे एक बड़ी चम्मच करी पत्ता। करी पत्ता से टेस्ट काफ़ी बहुत अच्छा आता है, आप ज़रूर से डालें। तो इसे भी कुछ सेकंड के लिए हम भून लेंगे। और उसके बाद हम यहाँ डालेंगे 1 इंच अदरक। मैंने यहाँ छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। उसके बाद जो मैंने एक नारियल लिया था, उससे 1 कप भर के मैंने नारियल लिया है और छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। छोटे छोटे पीसेस में इसलिए मैंने कट किया है ताकि इसे ग्राइंड करने में इजी हो। तो इसे भी हम कुछ सेकंड के लिए अच्छे से भून लेंगे। हमें ज़्यादा इसे भूनना नहीं है, बस ये देखिए ये हो चुका है। तो चलिए हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ एक मिक्सी जार लिया है और सबको इसमें डाल करके अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। हमें इसका एकदम स्मूथ और थिक पेस्ट रेडी करना है। तो देखिए, मैंने सभी को मिक्सी जार में अच्छे से डाल दिया है। अब उसके बाद हम 1 छोटी चम्मच नमक डालेंगे। नमक आप यहाँ स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसे हम अच्छे से पीसेंगे। पानी मैंने यहाँ इसलिए डाला है ताकि इसे पीसने में आसानी हो। तो देखिए, यहाँ ये अच्छे से पिस चुका है। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी, ये कितनी परफेक्ट है, थिक है। तो देखिए, है ना ये क्रीमी, एकदम रेस्टोरेंट जैसी दिख रही है। तो हमें इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसे ही रखनी है। और फिर इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी को, ये एकदम रनी नहीं है, ये बिल्कुल थिक और स्मूथ पेस्ट है। ये देखिए, है ना ये रेस्टोरेंट के जैसा। तो चलिए अब इस पर हम छौंक लगाते हैं। तो छौंक लगाने के लिए मैंने यहाँ एक पैन लिया है। उसके बाद हम इसमें 2 बड़ी चम्मच तेल डालेंगे, और तेल के गर्म होते के साथ ही हम इसमें 1 बड़ी चम्मच काली राई डालेंगे। मैंने यहाँ काली राई ली है, आप चाहे तो पीली वाली सरसों भी ले सकते हैं। और इसे थोड़ा हम चटकने देंगे। उसके बाद हम यहाँ 2 सूखी लाल मिर्च डालेंगे, जिसे मैंने तोड़ के डाला है। तो देखिए, इसे भी कुछ सेकंड के लिए रोस्ट कर लेंगे। उसके बाद मैंने 1 बड़ी चम्मच करी पत्ते डाले हैं, और इसे भी कुछ सेकंड के लिए चटकने देंगे। तो साउथ इंडियन के डिश में आप कड़ी पत्ते ज़रूर से डालें, ये टेस्ट को कई ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो देखिए, अब इस छौंक को हम चटनी के ऊपर डालेंगे। ये देखिए, आप देख सकते हैं ये कितनी अच्छी दिख रही है। तो हमारी नारियल की चटनी एकदम होटल जैसी स्वाद वाली सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। आप मेरे तरीके से इस रेसिपी को एक बार ज़रूर बनाएं, ये आप सभी को बहुत पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आज की मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं हम एक न्यू रेसिपी के साथ न्यू वीडियो में।